इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, उसके बावजूद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, क्यों वन प्लस क्यों? पर इसमें तो है ही। ये देखो जी, तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता देता हूँ कि मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आपके लिए वन प्लस की तरफ से उनकी पहली नॉर्ड की वॉच। ये रही, पकड़ लिया। तो पहली नॉर्ड की वॉच जो कि वन प्लस ने लॉन्च कर दी है, और चलो देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग में क्या है। मेरे साथ मेरा नाम है धवल, आप देख रहे हो टेक लॉन्च। चलो शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर होने वाली अनबॉक्सिंग आपके सामने आ चुकी है, और आप देख सकते हो इस बॉक्स के अंदर आपको वॉच मिलती है। वॉच के साथ इसके कुछ पेपर वर्क मिलते हैं, एक आज स्टिकर मिलता है और रेड केबल क्लब का कार्ड मिलता है जो कि बहुत ही भद्दा सा है। पहले वाला काफ़ी अच्छा था, ये तो काफ़ी ख़राब है। चार्जर भी आपको ऑब्वियसली मिलता ही है। सो अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे प्रोडक्ट पर जो कि है वॉच, वन प्लस नॉर्ड की ये वॉच है। और अगर मैं बात करूं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड पूरा इसका मेटालिक है, पीछे भी काफ़ी अच्छी इन्होंने क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ किए हैं, प्लास्टिक जो भी है। और स्ट्रैप की अगर बात करूं तो स्ट्रैप भी ठीक ठाक है, मेरे ज़्यादा ऐसा नहीं कहूंगा कि ख़राब है, ना ही अच्छी है। प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड स्ट्रैप है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है स्ट्रैप में। तो भाई चिपको चार्जिंग का टेस्ट कर लेते हैं, और होल्ड तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झटके दोगे तो गिर जाएगा। सो बात करूं अगर मैं स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले की, तो भाई डिस्प्ले मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है इस पूरी प्रोडक्ट का, क्योंकि जो इसका एमोलेड डिस्प्ले है 1.78 इंच का, वो मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली। इसके कलर्स बहुत अच्छे आते हैं और इसके ब्लैक्स जो हैं वो एकदम डीप है, आप इजीली देख के बता ही नहीं सकते कि बेजल्स कहाँ हैं इस वॉच में, और जो कि इसके लुक को बहुत इनहांस करता है। इस वॉच में आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, तो इस वॉच को यूज़ करते टाइम भी ना ये बहुत फास्ट और स्नैपी फील होती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने इतना स्मूथ चलने वाली स्मार्ट वॉच इस प्राइस रेंज में तो अभी तक देखी नहीं है। एक बात गौर करने वाली है कि इसकी जो बॉटम बेजल है वो स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्लाइटली थिक है एज कम्पेयर टू अदर थ्री बेजल्स। हालांकि ये बराबर हो सकती थी तो अच्छा रहता, लुक और एनहांस होता, लेकिन ठीक है, इतनी भी बड़ी डील नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक नहीं है वो नॉइज बोट वाली घड़ियों जैसी। डिस्प्ले की आउटडोर ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, विजिबिलिटी एकदम परफेक्ट रहती है क्योंकि 500 निट्स का ब्राइट डिस्प्ले है, तो कोई प्रॉब्लम मेरे को तो देखने में ऐसा मिली नहीं है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर इसका मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब कुछ मायनों में इसका सॉफ्टवेयर मुझे काफ़ी पसंद आया और कुछ मायनों में इसका सॉफ्टवेयर मुझे बिल्कुल ही मतलब बेकार सा लगा। जैसे कि इसके जो एनिमेशंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्राफिक्स हैं, आइकन्स हैं, वो मुझे काफ़ी पसंद आए पर्सनली। एक प्रीमियम वॉच वाली वो फील देते हैं, मतलब बिल्ड क्या है, बिल्ड ही ज़रूरी नहीं होता ना फिर प्रीमियम फील देने के लिए वॉच को। वॉच का यूज़र इंटरफेस भी बहुत ज़रूरी होता है वॉच को प्रीमियम फील देने के लिए, इसमें वो दोनों हैं। जो इसका UI है वो भी काफ़ी प्रीमियम फील होता है, और इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम फील होती है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करी जाए तो इसमें आपको बेसिकली 5 वॉच फेसेस आप इसमें कैरी कर सकते हो, और मुझे वॉच फेसेस जो हैं वो ठीक ठाक लगे इसमें। कोई मतलब कुछ तो बहुत अच्छे हैं और कुछ वैसे ही हैं बिल्कुल, जो मतलब चाइनीज़ घड़ियों में नहीं मिलते सस्ती सी, आधे वॉच फेसेस ऐसे हैं, आधे से भी कम वॉच फेसेस कुछ अच्छे भी हैं। तो अच्छे वॉच फेसेस की ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है इसमें, लेकिन बाकी वैसे वॉच फेसेस बहुत हैं फर्जी वाले। एक चीज़ जो मैं कहूँगा जिसमें मुझे इसमें दिक्कत लगी, वो है इसके वाइब्रेशंस काफ़ी हल्के हैं। वाइब्रेशंस और स्ट्रांग होते तो बेटर लगता, कुछ मेरे को नहीं लगता, मतलब वाइब्रेशन हल्के नहीं है, कुछ ऐसा है कि वाइब्रेशन टुवर्ड्स डिस्प्ले आता है रेदर देन पीछे की तरफ। अगर आप इसको ऊपर से टच करोगे तो वाइब्रेशन अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर पीछे नीचे से टच करोगे ना, जहाँ से इसकी स्किन टच होती है पहनने के बाद, तो इतना कोई खास उसका फ़र्क पता चलता नहीं। सो बात करें इस वॉच का कुछ की फीचर्स की, तो इसमें आपको 105 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं जो कि एक बढ़िया फिगर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ आपको इसमें IP68 रेटेड ये वॉच मिलती है, जिसकी वजह से ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाती है। आप इसको पहन के स्विम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये 1.5 मीटर्स तक अप टू 30 मिनट्स आप सबमर्ज इसको पानी के अंदर कर सकते हो, सॉल्ट वाटर से दूर रखना। इसमें मुझे एक कूल फीचर लगता है काफ़ी, वो है 1 टैप मेजरमेंट। मैंने अभी तक किसी घड़ी में इतनी अच्छी तरीके से काम करने वाला क्या मतलब देखा ही नहीं है जी। आप बस उसको एक बार टैप करो और वो पूरी की पूरी सारी डिटेल्स आपकी मेजर कर देगा, हार्ट बीट, SpO2, स्ट्रेस, सब कुछ जो भी वॉच कर सकती है, और उसके लिए हार्डली ये 1 से 1.5 मिनट लेता है, सो विच इज़ क्वाइट कूल। एक ही टैप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक और फीचर जो इसमें काफ़ी कूल है वो है वर्कआउट डिटेक्शन।
ऑटोमेटिकली ये आपकी एक्टिविटी को पढ़ के वर्कआउट डिटेक्ट कर लेगी और आपको देख लेगी कि हाँ आप बस नॉर्मली चल रहे हो या फिर आप एक प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो। ये मैंने अपनी सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 4 में देखा था, उसके बाद मैंने इसमें देखा है। सो काफ़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि उस प्राइस पॉइंट की घड़ी वाला फीचर भी इसमें है और काम भी सही तरीके से करता है। बाकी इसमें आपको बेसिक फीचर सारे मिलते हैं जैसे कि म्यूजिक कंट्रोल्स, कैमरा शटर, कैलकुलेटर और कैलेंडर भी मिलता है, विच इज़ क्वाइट अ टच विद अ टॉर्च। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको टॉर्च चाहिए ही चाहिए होती है स्मार्ट वॉच में, भाई इसमें है। सो अब आ जाते हैं इस वॉच की बैटरी लाइफ के ऊपर। तो बैटरी लाइफ जो है वो इसकी काफ़ी सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। जो इसका जो मेन कंसर्न है वो कंपनी कहती है कि 30 दिन की बैटरी बैकअप है। हो सकता है हो, हमें तो नहीं मिला भाई, क्योंकि मेरा यूजेज काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके हिसाब से ये मुझे 7-8 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे पाएगी, क्योंकि मैं ऐसा 4-5 दिन से ऑलमोस्ट 5 दिन होने वाले हैं यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी इसमें 40% के आसपास बैटरी है, तो ये 7-8 दिन तो आराम से चल सकती है। सो अगला पॉइंट जो है वो है कनेक्टिविटी। इस वॉच की कनेक्टिविटी वाकई में काफ़ी अच्छी है। मैं इसको जब से यूज़ कर रहा हूँ मैं काफ़ी दूर दूर तक जा चुका हूँ और ये डिस्कनेक्ट नहीं होती ईजीली। और कनेक्शन ड्रॉप्स की बात करो तो ब्लूटूथ 5.2 है, तो वैसे भी कोई मेरे को अभी तक तो कोई कनेक्शन ड्रॉप मैंने फेस किया ही नहीं है इस वॉच में, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे मैंने देखा है जो भी अंडर 4,000-5,000 की घड़ियाँ होती हैं वो कुछ कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कनेक्शन ड्रॉप होते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात इसमें तो नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी ऐप पर, जो कि है OnePlus की तरफ से N Health ऐप। ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी और इसके डेवलपर तो हालांकि OnePlus ही है बट नाम है आपका N Health है। N Health आई गेस नॉट से कोई रिलेशन हो, मे बी, आई डोंट नो। खैर, तो अगर हम इसके ऐप की यूज़र इंटरफेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपको होम स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है ऊपर स्कैन या ऐड डिवाइस करने का, और आपको ऊपर वॉच का डेटा बताता है ये कि वॉच में आपकी कितनी बैटरी है। आप वॉच फेसेस भी वहीं से चेंज कर सकते हो। पूरा वॉच फेसेस का आपको एक स्टोर मिलता है जिसमें आपको कैटेगरी वाइज भी और वैसे भी सारे के सारे वॉच फेसेस एक्सेसिबल होते हैं। आप यहां से मैक्सिमम अपनी वॉच में 5 फेसेस को इंक्लूड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप मैंने करने की कोशिश करी तो मुझसे तो हुए नहीं। अगर आपसे हुए हो तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग के ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपको 24 आवर की आप हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हो, और नीचे कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जो कि अलार्म, नोटिफिकेशन, कॉलिंग और वेदर सिंक के होते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको आपके डिवाइस की यानी कि वॉच की इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि अबाउट फोन की तरह ही होती है। फिर आ जाते हैं आपके वर्कआउट चार्ट्स के ऊपर जहाँ पे कि वर्कआउट का आपका लोडेड होती है सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी स्लीप की, वर्कआउट की, वॉकिंग की और हार्ट रेट, SpO2, ये सारी की सारी डे, वीक, मंथ वाइज सॉर्टेड होती है, और कैलोरीज बर्न्ड, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, विच इज़ क्वाइट अ कूल थिंग। डैशबोर्ड लुक्स कूल, ऐप का इंटरफेस मुझे पर्सनली अच्छा लगा। इसमें आप अपना वेट वगैरह भी भर सकते हो और ये आपका BMI भी बता देगा। वुमेन हेल्थ का फीचर भी होता है बट वो अभी हम एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि आई एम नॉट वुमेन, सॉरी। और इसके बाद आपको यहाँ पे GPS भी मिलता है जो कि वॉच में नहीं है बट फ़ोन के साथ आता है, और साथ ही साथ इसमें आपको फिर आपका कंट्रोल सेंटर मिलता है जिसमें आपको सारी की सारी सेटिंग्स मिलती हैं और आप प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हो अपना और चेंज भी कर सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। एक चीज़ मैं इसमें नोट करना चाहूँगा जो कि काफ़ी अजीब है, मुझे नहीं पता ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या फिर सबके साथ हो रहा है, वो ये कि जब मैंने N Health ऐप अपने फ़ोन में डाली और मैं इनफैक्ट अभी भी जब मैं अपनी प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करना चाहता हूँ इस ऐप में तो सब कुछ चाइनीज़ में आता है यार, पता नहीं क्यों। ये के कौन सा इशारा कर रहे हो OnePlus यार, मेरे को डर लग रहा है अब तुमसे। कॉमेंट्स में बताना कि तुम्हारे पास अगर OnePlus वॉच है या N Health ऐप यूज़ कर रहे हो तो क्या तुम्हारे फ़ोन में भी चाइनीज़ में आता है। चाइना को सपोर्ट करोगे ना अगर OnePlus वॉच लेके, तो भाई हमें भी सपोर्ट करते ना सब्सक्राइब करके। देखो इतनी बातें बता रहा हूँ और कोई नहीं बताता इतनी आसानी से। अब बात करते हैं इस वॉच की ट्रैकिंग और एक्यूरेसी की। तो मैंने इस वॉच को हेड टू हेड कंपेयर किया गैलेक्सी वॉच 4 से, जो कि एंड्रॉयड मार्केट प्लेस में स्मार्ट वॉचेस की वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड ट्रैकिंग। तो आप देखोगे अगर इसकी ट्रैकिंग जो है OnePlus वॉच की वो काफ़ी अच्छी है फॉर द प्राइस। ये हेड टू हेड रही है ऑलमोस्ट हर मामले में गैलेक्सी वॉच 4 के। एक जगह थी जहाँ पे स्ट्रेस इसने मेरे को बताया कि आपको नॉर्मल है, मॉडरेट है, और गैलेक्सी वॉच कह रही थी मेरे को स्ट्रेस तो मतलब आसमान फाड़ चुका है मेरा स्ट्रेस। हालांकि मुझे जितना स्ट्रेस था वो मुझे लगता है कि वॉच 4 ने कुछ ज़्यादा ही बता दिया और इसने थोड़ा सा कम बताया,
मेरा स्ट्रेस कहीं उसके बीच में था दोनों वॉचेस के। तो ओवरऑल देखा जाए तो वॉच की ट्रैकिंग एक्यूरेसी बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिनको, जो कि फिटनेस फ्रीक हो और जिनको ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके लिए, तो ये वॉच आप कंसिडर कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली गुड व्हेन इट कम्स टू ट्रैकिंग। हमने इसमें वर्कआउट भी करके देखा जिसमें कि मैंने 95 स्टेप्स भी चले। तो गाइस मैंने अराउंड 95 स्टेप्स किए। इतनी गर्मी में और नहीं कर सकता, वरना तो पेशाब निकल जाएगा मेरा। और अगर आप देखोगे तो मैं उसमें अराउंड 95 स्टेप्स चला था और वन प्लस वॉच ने 90 स्टेप्स काउंट किए हैं और गैलेक्सी वॉच 4 ने 88 स्टेप्स काउंट किए हैं। सो दोनों ही वॉचेस काफ़ी क्लोज हैं और इतना तो मार्जिन ऑफ एरर हर वॉच में रहता ही है 4-5 स्टेप का, अगर अच्छी वॉच हो तो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो वर्कआउट डेटा के मामले में वन प्लस वॉच थोड़ा कम डेटा देती है गैलेक्सी वॉच के कंपैरेटिवली, बट हाँ उसका प्राइस पॉइंट एक अलग है, वो अलग सेगमेंट की घड़ी है, वो वेयर ओएस की घड़ी है और ये एक प्रोप्राइटरी ओएस पे चलती है वन प्लस के खुद के, जो कि अंडर 5000 है यार, तुम्हें और क्या चाहिए। अब आ जाते हैं उन पॉइंट्स पे जिनको मैं कहता हूँ कि थिंग्स आई हेट अबाउट अ प्रोडक्ट, और ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता इस वन प्लस की नॉर्ड वॉच में। तो शुरू करते हैं पहली बुराई से। सबसे बुरी बात जो मुझे इस वॉच में लगती है वो ये है कि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, उसके बावजूद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। क्यों वन प्लस क्यों? अरे भाई नहीं बोलना था ये, वन प्लस के फैंस देखते हैं वीडियो, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी भाई। और तुम हो कौन से जीव? हेलो जी, मैं सिर्फ पप्पू द प्लंबर जी यो यो और आई हूं दिस अमेज़ फॉर द जीपीएस टू मिनी और टेक्नोज जी, मैंने आपको कन्फेस करना था जी कि मैंने आपकी घड़ी ना फेल के यूज कर ली है कुछ रातों में। तो पप्पू भाई तुम ही बता दो क्या क्या दिक्कतें हैं इस वॉच में। पप्पू, पहले तो जी मेरा नाम पप्पू द प्लंबर है जी, और दूसरी इसमें जो दिक्कत है ना, एक तो इसमें एओडी नहीं है जी, ऊपर से यूआई कहीं तो बहुत अच्छा हो जाता है जी और कहीं कहीं बहुत माड़ा भी हो जाता है जी। जैसे इसमें कभी कॉल आती है जी तो कॉल को उठाने का बटन तो दूर दूर तक नहीं है जी, पर चलो साइलेंट का बटन भी नहीं है जी, मतलब साइलेंट भी नहीं कर सकते आप अपने फोन को जी, बस बटन दबाओगे तो घड़ी साइलेंट हो जाती है जी और कुछ होता नहीं इसमें। जी दूसरी इसमें ना दिक्कत ये है जी कि इसमें म्यूजिक चलाओ में जी तो दिक्कत ही नहीं कि कौन सा गाना बज रहा है। ये तो भाई वही बात होगी जो कि जैसे हम बजते थे अपने फादर जी से विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक, बस बज ही रहे होते थे, तो ऐसे ही इसमें गाना बज रहा होता है जी, पता ही नहीं चलता कि कौन सा गाना है, बस आगे पीछे हो रहा है क्या हो रहा है, बस आवाज कम ज्यादा हो जाती है, गाना आगे पीछे हो जाता है लेकिन कौन सा गाना है नहीं पता चलता जी। तो ये बड़ी मतलब मुश्किल बना देती है ये सिचुएशन, पता ही नहीं लगता कि गाना ज्यादा चल जाता है, फिर पता लगता है कि हाँ जी ये गाना सुन रहे हो। और तो क्या जी, इसमें कंपास दे देते तो जी बढ़िया रहता जी। हाँ, ताकि आपको आसानी हो यहाँ से बाहर निकलने के, डायरेक्शन देखने के लिए, है ना। नहीं जी चंगा जी, सब्सक्राइब कर देना जी टेक्नोलॉजी भाई, चंगा जी भाई भाई। सो गाइस वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट ये है कि जैसा कि हमारे प्लंबर साहब ने भी बताया और मेरा भी रिव्यू आपको मिल ही गया है, वॉच अच्छी है, थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है क्योंकि कुछ बहुत ही सिंपल फीचर्स हैं जो कि इसमें अभी भी मिसिंग है, तो वो OTA अपडेट्स आपको मिल सकते हैं। हालांकि कंपनी ने ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया है कि वो आपको OTA अपडेट्स में ये फीचर देगी, लेकिन अगर वो देना चाहे तो वो दे सकती है। तो एज ऑफ नाउ ऑन द करंट स्टेटस ऑफ दिस वॉच मुझे लगता है थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। अगर ये 4000 या जस्ट बिलो 4000 आ जाए तो ये एक जस्टिफाइड प्राइस वाली वॉच होगी, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत लाजवाब है और इसको यूज़ करने में एक अच्छा फील आता है, बिकॉज 60 हर्ट्ज़ का इसका डिस्प्ले जो है वो काफ़ी अमेजिंग है, बट 5000 में ये मुझे थोड़ी सी ओवरप्राइज्ड लग रही है। बाकी वॉच में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने में आपको रियलमी की वॉचेस जो हैं वो कॉलिंग भी दे देती हैं, बट रियलमी की स्लीप ट्रैकिंग खास तौर से मुझे अभी तक एक्यूरेट कोई खास लगी नहीं है,
तो ट्रैकिंग के मामले में मैं कुछ खास कह नहीं सकता रियलमी को लेकर। आपके पास अमेज़फिट के भी ऑप्शन आते हैं, लेकिन अमेज़फिट यार वो फिर हायर रेंज में पहुंच जाती है, वो 7-8 हज़ार के आसपास पहुंच जाती है। सो OnePlus ने एक अच्छा सेगमेंट पकड़ा है 5 हज़ार का, लेकिन थोड़े और फीचर्स अगर OnePlus इसमें दे देती 5000 के हिसाब से तो बेटर रहता। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो जो इस वॉच को यूज़ कर रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, और अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करो कि भाई तुम्हें क्या लगता है इस वॉच के बारे में। और हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन सी यू।